ninth subject was myself aperture. Today I will tell you about the Remainder theorem. So first pay attention on the statement of Remainder theorem. Let Px be any polynomial of degree greater than 1 or equal to 1, and let A be any real number if Px is divided by x minus a, then the remainder is p. तो Px क्या है? कोई पॉलीनोमियल है जिसका डिग्री 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर उसे किसी लीनियर पॉलीनोमियल x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है डियर स्टूडेंट? p आता है। इसे एग्जाम्पल से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल लेट Px इक्वल x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, क्लियर? एंड ए लीनियर पॉलीनोमियल इज x प्लस 2, दैट इज अवर px, इसे हम dx कह सकते हैं। हमें इस पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो एक तो डिवीजन वाला प्रोसेस होगा, वो लंबा होगा, उसके बाद आपको रिमाइंडर मिलेगा। और एक आपका ये है कि अगर px माइनस a है, अगर यहाँ माइनस a है तो px माने x जगह पे आपको क्या रखना होता है? a रखना होता है। अगर यहाँ पे प्लस a होता तो हम लोग x जगह क्या रखते? माइनस a रखते, क्लियर? तो हियर प्लस, सो पुट x plus 2 equal 0, that implies x equal minus 2 in px, px में इसे रखना है, therefore px, that is p of minus 2 is equal minus 2 whole square plus 5 minus 2 or plus 6. So that will come, yes please pay attention, minus 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और प्लस प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 और प्लस 6, पे अटेंशन, ऑल 4 एंड 6 10 हो गया, 10 से 10 निकल गया, क्या आ गया? 10 से 10 माइनस करोगे 0, माने पहला बार दिस पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलीनोमियल x plus 2, दैट रिमाइंडर इज 0, दैट रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से हमें क्या फायदा होता है कि हमें भाग की प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है, केवल बाय द सब्स्टिट्यूशन वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। दैट्स ऑल, व्हिच इज ऑल अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम।